नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे 13 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पर। देखिए जितने भी आज करेंट अफेयर में हैं सब पर पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शुरू से लास्ट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और देखिए पूरा वीडियो देखने के बाद जो है आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करेंट अफेयर की PDF मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर कई सारे GS और करेंट अफेयर के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। और देखिए ऐसे ही GS और करेंट अफेयर के वीडियोस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिए। तो ये दोनों काम आप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। देखिए आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और ये इस बार जो है उत्तराखंड के चौबटिया में 16 सितंबर से 29 सितंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा। और देखिए एक खास बात है कि ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है, ठीक है। तो एक लाइन में रह जाइए कि युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और ये इस बार उत्तराखंड के चौबटिया में 16 सितंबर से 29 सितंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा। 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच का। और देखिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में MOU को मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए जो भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल अभी हाल ही में इसने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी प्रदान की है। अब थोड़ा सा मिस्र के बारे में जान लेते हैं कि मिस्र जो है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, ठीक है, और ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है अफ्रीका में। और मिस्र जो है इसकी कैपिटल है कायरो, और मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। और देखिए मिस्र की एक खास बात है कि मिस्र में जो है एक बहुत ही फेमस नदी है, इसका नाम है नील नदी, और मिस्र को हम कहते हैं नील नदी का वरदान, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया किस देश को जो है नील नदी का वरदान कहते हैं, तो ये देश आपका है इजिप्ट यानी कि मिस्र। और देखिए तीसरा प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव कि मतपत्रों से किस विकल्प को हटाने की घोषणा की गई है। तो देखिए जो आपका मतपत्र होते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे विकल्प होते हैं कैंडिडेट्स के, ठीक है, और लास्ट में एक विकल्प होता है नन ऑफ द एबव यानी कि नोटा का, ठीक है। तो इस नोटा के विकल्प को जो है हटाने का हाल ही में निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने, ठीक है। और देखिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दिया था कि राज्यसभा चुनाव जो है और विधान परिषद चुनाव जो है, ठीक है, इनमें जो है नोटा का प्रयोग जो है अब नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के मतपत्रों जो है उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव का जो विकल्प है इसको हटाने की घोषणा की है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO कार्यालय को बंद करने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका है अमेरिका। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि PLO यानी कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए फिलिस्तीन जो है एक कंट्री है, ठीक है, और इसका एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य इकाई है, ठीक है। और देखिए इसकी स्थापना 28 मई 1964 को की गई थी, और इसका नेतृत्व करते हैं वर्तमान में महमूद अब्बास। तो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये पॉइंट याद रखना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका जो है इसने अपनी राजधानी में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय को जो है बंद करने की घोषणा की है। और देखिए पांचवा प्रश्न है, इसरो के किस ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान से यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो है भारत के पहले व्यावसायिक उपग्रह को छोड़ा जाएगा। तो देखिए ये आपका पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका नाम है PSLV C-42। देखिए PSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए P फॉर होता है पोलर, S फॉर होता है सेटेलाइट, L फॉर होता है लॉन्च, और V फॉर होता है व्हीकल, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PSLV। तो PSLV C-42 से भारत के पहले व्यावसायिक उपग्रह को छोड़ा जाएगा, और कौन कौन से व्यावसायिक उपग्रह छोड़े जाएंगे इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए 16 सितंबर 2018 को इसी महीने में जो है इसरो अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-42 से दो ब्रिटिश उपग्रह जिसका नाम है नोवासार और S-14, ठीक है, इसको धरती की कक्षा में स्थापित करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, और 16 को जब ये उपग्रह लॉन्च कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है ये कक्षा में स्थापित कर जाएंगे, तो उनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डेली का करेंट अफेयर मिस मत कीजिए, रेगुलर जो है करेंट अफेयर को देखा कीजिए।
और छठा प्रश्न है, देश के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है जिसे हाल ही में पहले से अधिक क्षमता के साथ 9 वर्ष बाद फिर से जो है शुरू किया गया है। तो देखिए ये पॉइंट ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नाम है अप्सरा, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना जो है उस समय की थी होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है, और इसकी स्थापना अगस्त 1956 में की गई थी, ठीक है। ये विशेष पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। और देखिए ये जो है एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर भी है, ठीक है, इसीलिए और इम्पॉर्टेंट है। तो एशिया की इस पहले अनुसंधान रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा, इसका परिचालन जो है अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रांबे परिसर में जो है, देखिए ट्रांबे जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, इसमें शुरू किया गया था और शोधकर्ताओं को जो है 5 दशक से अधिक समय तक जो है समर्पित सेवा प्रदान करने के बाद जो है इसको 2009 में बंद कर दिया गया, ठीक है। और देखिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं, कुछ परिवर्तन हुए जिनको मैं बता देता हूँ और इनको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से कोई भी पॉइंट एग्जाम में उठा सकता है, ठीक है। देखिए टोटल 62 सालों के बाद जो है 10 सितंबर 2018 को, ठीक है, 6:41 पर ट्रांबे में इस शोध रिएक्टर का जो है परिचालन फिर से प्रारंभ किया गया है और इसका नाम रख दिया गया है अप्सरा उन्नत। और देखिए ये जो उच्च क्षमता वाला रिएक्टर है इसकी अपना स्थापना जो है ये स्वदेशी तकनीकी से की गई है। और सबसे खास बात, ठीक है, इसमें देखिए जो है निम्न परिष्कृत यूरेनियम जो है इससे निर्मित प्लेट जो है प्लेट के आकार का प्रकीर्णन ईंधन जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह के कारण ये रिएक्टर जो है स्वास्थ्य अनुप्रयोग में रेडियो आइसोटोप के स्वदेशी उत्पादन को 50% जो है बढ़ा देगा। और देखिए इसका उपयोग जो है नाभिकीय भौतिकी, भौतिकी विज्ञान और रेडियोधर्मी आवरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष बातें हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर की जिसका परिचालन फिर से स्टार्ट हुआ है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए भारतीय रेलवे जो है इसने हाल ही में जो है रेल सहयोग नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। और देखिए आप इस वेब पोर्टल पर लॉगिन भी कर सकते हैं, ये वेब पोर्टल है www.railsahyog.in, ठीक है। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। और देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखिए ये वेब पोर्टल जो है ये कॉरपोरेट और पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि PSU को जो है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्स के जरिए रेलवे स्टेशनों पर एवं इनके निकट सुविधाओं के सृजन में योगदान के लिए जो है एक विशेष मंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये रेल सहयोग के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और 8वां प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने हरियाणा में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये कंपनी आपकी है इंडियन ऑयल। और देखिए ये जो संयंत्र है इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं इनको मैं बता देता हूँ। देखिए ये संयंत्र जो है ये प्रतिदिन 100 किलोलीटर जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा और ये संयंत्र जो है ये फसल, ठीक है, मतलब देखिए अभी धान की फसल कटने वाली है तो इसके जितने भी अवशेष होंगे, ठीक है, इसके भूसे होंगे, इसके जो पुआल वगैरह होंगे, ठीक है, तो इनको जो है जलने से रोका जाएगा, इनको जो है सीधे इस जो आपका प्रस्तावित संयंत्र है, ठीक है, इसमें लाकर जो है वहाँ से इससे जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे हम कहें कि जितने भी आपके फसलों के अवशेष होते हैं जैसे कि भूसे होते हैं, पुआल होते हैं, ठीक है, और जो खराब अनाज वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जो सड़े गले अनाज होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग जो है इस संयंत्र में किया जाएगा इथेनॉल के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि हरियाणा की सरकार ने इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए हाल ही में इंडियन ऑयल के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए थोड़ा सा हम इथेनॉल इंडियन ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं और आपका जो हरियाणा है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और देखिए इंडियन ऑयल जो है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इंडियन ऑयल के चेयरपर्सन हैं वर्तमान में संजीव सिंह। और देखिए इंडियन ऑयल की स्थापना 1964 में की गई थी। और 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की नई MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस की नई MD बनी है विभा पडलकर, ठीक है। देखिए विभा पडलकर जो है इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है अमिताभ चौधरी का। और देखिए विभा पडलकर जो है ये वर्तमान में HDFC में जो है CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं, ठीक है। और देखिए इनको जो टोटल 3 साल के जो है कंपनी का MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि विभा पडलकर जो है ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस की जो है नई MD और CEO बन गई हैं और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है अमिताभ चौधरी का। और 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई रायथू, ठीक है, यानी कि तेलुगु भाषा में ई किसान लॉन्च किया है? तो देखिए ई रायथू को लॉन्च किया हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में वर्तमान में सरकार है चंद्रबाबू नायडू की। अब थोड़ा सा हम इस मोबाइल प्लेटफॉर्म ई रायथू के बारे में जान लेते हैं।
देखिए, इस मोबाइल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है मास्टर कार्ड ने, और मास्टर कार्ड के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। ये जो है एक वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी है। देखिए, आपने एटीएम देखा होगा एसबीआई का वगैरह का, ठीक है, इसमें मास्टर कार्ड लिखा होता है, ठीक है। तो इसी मास्टर कार्ड ने इस ई रायथू मोबाइल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए, ये जो आपका मोबाइल प्लेटफॉर्म है ई रायथू, इसका लक्ष्य है कृषि बाज़ारों, भुगतान वर्क फ्लो को डिज़ाइन करना और किसानों को उनके फीचर फोन के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए भुगतान, बिक्री और भुगतान करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका प्रदान करना। तो आपको जो है इस मोबाइल प्लेटफॉर्म ई रायथू के बारे में ये सभी विशेष चीज़ें याद रखनी है। तो ये थे आज के करेंट अफेयर, और अब बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए, कल मैंने आपसे पूछा था प्रश्न कि चौरी चौरा की घटना जो है ये कब हुई थी। देखिए, ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। और देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट जो है ये अनपढ़ था। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा मुगल सम्राट जो है ये अनपढ़ था, ठीक है, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। ये प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर ये समाप्त होता है। आप जो है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।